सो हेलो एवरीवन, अगर आप एक ग्रेजुएट हो और वेब डेवलपिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए ठीक है। तो पहले कुछ हाइलाइट्स बता देते हैं कि 100% प्लेसमेंट होने वाला है। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसके लिए आपको प्रायर कोई भी टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है और प्लेसमेंट की जिम्मेदारी उनके होने वाली है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एंड स्टडी हार्ड। तो बस थोड़ी सी चीज़ है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं तो आपको लास्ट ईयर में होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल रहोगे। तभी आप एक वेब डेवलपिंग की, अगर आपकी ड्रीम जॉब पाने का कोई सपना रहा है कि मैं एज अ वेब डेवलपर बड़ी कंपनी में जाकर के सेटल हूं, तो अगर आपका ये सपना रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। और अभी हम डिटेल में लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और समझते हैं कि कैसी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो जो है, सबसे पहले एडमिशन का प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। अपना फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, व्हाट्सएप नंबर लिखो और ओटीपी आपको मिलेगा। उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगी यार, उनको फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स को फिल करना है, एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप इनके कुछ रीसेंट प्लेसमेंट्स भी देख सकते हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में हुए हैं। इनमें से कुछ आपकी ड्रीम कंपनीज होंगी जिनमें आप जॉब हमेशा से पाना चाहते होगे, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप जाकर के एक बार इसको ट्राई करो और यहाँ पर विजिट करो, ठीक है। तो इन लोगों ने 100% प्लेसमेंट गारंटी बोल रखा है, तो आपको पता ही है आपको एक पैकेज मिलने ही वाला है। इसके अलावा देर इज जीरो रजिस्ट्रेशन फीस, कोई आपके पास फीस नहीं लगने वाली है स्टार्टिंग में, देर इज जीरो रजिस्ट्रेशन फीस। आप काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर एक वेब डेवलपर जो है आपका, अगर करियर आप चूज़ करना चाहते हो तो आप बन सकते हो, ठीक है। आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे यार यहाँ पर, और आप जो है आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिलेटेड वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। जीरो फीस, इसका मतलब ये है कि आपको जब तक एक जॉब नहीं दिला दी जाती मिनिमम 5 LPA की, तब तक आपको एक रुपया भी नहीं देना है। ये ओनली व्हेन यू गेट प्लेस, ठीक है। तो जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं मांगा जाएगा आपसे। तो जब तक आपकी नौकरी नहीं दिलवा देते हैं तब तक कुछ पे नहीं करना है। नो प्रायर स्किल्स कोडिंग आर नीडेड, मतलब कि आपको कोई कोडिंग का कोई नॉलेज आना जरूरी नहीं है। आपका प्लेसमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर प्लेसमेंट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यार यहाँ पे काफी बढ़िया सा कंपेरिजन भी दिखाया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स CS की जो डिग्री होती है और फंक्शन अप में। तो आप देख सकते हो आपको ग्रुप वर्क मिलेगा यहाँ पे, इसके अलावा गाइडेंस मिलेगा प्रैक्टिकल स्किल के लिए, डाउट सॉल्विंग होगी, ठीक है। अपडेटेड करिकुलम रहेगा, CS फंडामेंटल्स, मॉडर्न लैंग्वेज जितना भी होगा सारा कुछ होगा। इसके अलावा IITs के जो लोग हैं वो आपको सिखा रहे होंगे, एकदम ट्रेंड प्रोफेशनल लोग सिखा रहे होंगे, हल्के फुल्के लोग नहीं, भारी भरकम लोग सिखा रहे होंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट की और आउटकम की बात की जाए यार, तो आप यहाँ देख ही सकते हो 20-55 lakh की वाला, और आप यहाँ देख सकते हो 0 rupees, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा टाइम पीरियड भी देखा जाए तो यार 4 months में आपको एक फुल फ्लैश वेब डेवलपर बना देने वाले हैं ये लोग, काफ़ी बढ़िया। बस इसमें एक चीज़ हो गई यार, आपको इतना अच्छा चीज़ दिया जा रहा है तो आपसे कुछ लिया जाएगा, वो ये है कि आपका टाइम लिया जाएगा, आपका हार्डवर्क लिया जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस से मेहनत करनी होगी। यहाँ पर आपको क्या क्या स्किल्स सिखाई जा रही होंगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो है मैंडेटरी स्किल्स, जो टेक स्किल्स आपको सिखाई जा रही होंगी, वो होगी HTML, CSS, JavaScript, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बैक एंड डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, काफी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात तभी हम नहीं करेंगे, लेकिन आप सीख सकते हो। उसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स होती है जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गई, जो आपको हर जगह पे काम आने वाली है, वो भी आपको प्रिपेयर करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये इनका कुछ प्लान दिया हुआ है, week 1 में क्या होगा, week 2 में क्या होगा, इस तरीके से। आप आराम से एक बार, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने बोला कि हार्डवर्किंग लोगों की जरूरत है, तो डेली शेड्यूल यही रहेगा, 2 से 3 घंटे की जो है आपकी लाइव सेशंस होंगे, उसके अलावा 2 से 3 घंटे का ही जो है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, फिर 4-5 घंटे का जो है आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 9 घंटे जो है मिनिमम इनके साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको 4 महीने के अंदर ये एक बढ़िया जॉब लगा करके दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप बड़ी कंपनीज में जाने वाले रहोगे तो आपको स्किल तो आनी चाहिए। तो स्किल वो आपको सिखा रहे होंगे, सिर्फ आपको सीखना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको ट्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनके बारे में भी डिटेल। तो इसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, आप FAQs देख सकते हो वेबसाइट पे जाकर के, कौन कौन एलिजिबल है। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं यार वो सारे एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट्स होना जरूरी है, ठीक है, या लास्ट ईयर में होना चाहिए आपको, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या फंक्शन अब जिम्मेदारी लेता है कि वो आपको एक बढ़िया तरीके की जॉब दिलाएगा मिनिमम 5 लाख पर एनम की पैकेज की? तो हाँ, वो जिम्मेदारी लेते हैं। टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है 4 months का है। ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे क्या? तो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो है मिक्सचर होने वाला है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन इस तरीके से। इसके बाद कंपनीज अगर आप देखना चाहो तो अमेजोन है, अडोबी है, क्रेड है, शेयर चैट, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बाप रे बहुत सारी हैं।
स्विगी, जोमैटो, वॉलमार्ट, उबर, उसके अलावा भी 58++ कंपनीज हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा एक बीएससी के ग्रेजुएट ने जो है 5 डेवलपर ऑफर्स लिए थे यार, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो आर्टिकल्स, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। और एक बीएससी का ग्रेजुएट और वेब डेवलपर काफ़ी अपोजिट चीज़ हो गई, और उन्होंने 5 ऑफर्स लिए हुए हैं एज अ डेवलपर, ठीक है, एज अ वेब डेवलपर और काफ़ी अच्छी कंपनीज के लिए। तो आप भी वैसा कर सकते हो, ठीक है। नो मैटर वॉट आपकी क्या पिछली डिग्री है, क्या आपका प्रायर बैकग्राउंड है, लेकिन आप जो है इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, बशर्ते आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा जो है और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है, सिर्फ आपकी शिद्दत चाहिए सीखने की, आगे कुछ करने की। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार और बता देते हैं। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, ठीक है, ताकि मुझे पता चले किसने अभी तक देखा है। एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।